बड़ी खबर जनपद मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी में जमीनी बंटवारे को लेकर के रिश्तों का कत्ल हुआ है। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते भतीजे ने चाचा की फावड़े से प्रहार कर हत्या कर दी है, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि थाना कोतवाली क्षेत्र के नगला पजामा निवासी गया प्रसाद पुत्र किशोरी लाल अपने खेत पर काम कर रहे थे और तभी उनके भतीजे अजय पुत्र धनीराम ने जमीनी विवाद को लेकर गया प्रसाद के ऊपर फावड़े से हमला कर दिया, जिससे गया प्रसाद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। और जैसे ही घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो परिवार में कोहरा मच गया, जहां सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है, जहां मृतक के पुत्र ने भाई के खिलाफ नाम दर्ज थाने में तहरीर दी है और पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सुने अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार को। ये प्रकरण थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी के मोहल्ला नगला पजावा का है। कल शाम को लगभग 8:30 बजे चाचा और भतीजे में जमीन को लेकर विवाद हुआ, जिसमें भतीजे द्वारा अपने चाचा की फावड़े से हत्या कारित की गई है। इस संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, इसकी विवेचना की जा रही है। जो इसमें नामजद अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल मृतक के बेटे को सुने। तो उतने ही मैं भी वहीं था खेत पर। हाँ। तो मैं घर चला आया। हाँ। और साहू का लड़का भी वहीं था, वो भी पानी लगा रहा था अपने खेत में। हाँ। तो मैं घर चला आया खाना खाने, इतनी देर में मतलब उसने फावड़े सिर पे वार कर दिया। किसने मारा, किसने, क्या नाम था? साहू लड़का का नाम था दालू विजय, अजय अजय। पिताजी का नाम क्या? श्री धनीराम। धनीराम, क्या क्या रंजिश चल रही थी मार डाला? खेत में प्लॉट पीछे चल रही थी रंजिश। प्लॉट पीछे कब से चल रही थी? ये लगभग 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले हुआ था मुकदमा हुआ था? नहीं, वो कुछ नहीं। हाँ। मतलब आपसी बंटवारा था, तो जहाँ मैं खेती कर रहे थे वो वहाँ मतलब प्लॉट भरना चाह रहे थे, मैं उनको भरने नहीं दे रहा था, बस इतनी बात था। अच्छा, नहीं भरना चाह रहे थे इसी बात पे रात में? वो कौन कौन साथ में कौन था उनके? उनके साथ में मैंने तो उनको ही देखा था और एक दो लोग और थे, वो आपस में बातें कर रहे थे और रात के मामले में उनको देख नहीं पाया। देख नहीं पाया फिर वही पुलिस कितने टाइम पहुँच गई? पुलिस तो मैं यहाँ हॉस्पिटल मतलब पापा को ले आया, तब तक पुलिस यहीं से मतलब। अच्छा, यहाँ से यहाँ ले आए थे? सांस पास चल गया? नहीं, सांस नहीं चल रही थी, एक पैर तो खत्म ही, एक पैर वहीं हो गए। कितने भाई बहन हो आप? हम चार भाई बहन हैं। चार भाई, दो भाई दो। ब्यूरो रिपोर्ट मैनपुरी।